हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं मोनी यादव और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है डी टी प्लस बी एग्ज़ाम डेट को लेकर कि डी टी प्लस बी एग्ज़ाम डेट क्या है एग्ज़ाम्स कब होंगे uh, कब तक होने की संभावना है और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है तो इन सब को लेकर आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें वीडियो को एंड तक देखें चलिए शुरू करते हैं तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पर गौर करते हैं ठीक है उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगी तो वो फैक्ट्स क्या हैं देखिए हम कुछ बड़े बोर्ड्स की बात कर लेते हैं जैसे यूपीएससी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है एसएससी तो अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पर गौर करनी है यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है आपको सबको पता होगा ठीक है आई थिंक चार अक्टूबर को यू पी का एग्ज़ाम है ठीक है फिर यू पी पी ने भी अपनी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है आई थिंक इसका एग्ज़ाम दस अक्टूबर को है ठीक है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूपी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो उसकी डेट भी आ गई है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ ठीक है बीडीओ की एग्ज़ाम डेट जो कि 16 अगस्त थी अब 16 अगस्त गिवन डेट पर ही एग्ज़ाम होगा साथ ही अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी ने भी अपनी एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है ठीक है अब ये तीन बड़े बोर्ड्स आपके सामने हैं और तीनों ही अपनी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर चुके हैं ये बताने का मेरा मकसद क्या था ये बताने का मेरा मकसद ये था कि अब जल्दी ही आप डी डी एस एस बी की एग्ज़ाम डेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि अब बोर्ड जितने भी बोर्ड है अब उनको ये समझ में आ गया है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि जब कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म होगा तभी एग्ज़ाम होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है मैं आपको बता दूँ और मैं आपको एक और सच्चाई बता दूँ कि ये कोई भी नहीं जानते कि एग्ज़ाम कब होंगे ठीक है इंक्लूडिंग मी कोई भी नहीं जानता आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी कि एग्ज़ाम तब होंगे ये तब होंगे एक्सपेक्टेड डेट सब बताते हैं बट बत मैं आपको एक बात बता दूं वो जो एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई जाती है ना वो कुछ फैक्ट्स कुछ लॉजिक्स के बेसिस पर आपको बताई जाती है एग्ज़ाम कब होगा ये कोई भी नहीं जानता है तो यह आप अपने दिमाग में बिठा लें और बार बार इस चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ दें कि एग्ज़ाम कब होगा और बार बार ये क्वेश्चन भी पूछना छोड़ दें मुझसे नहीं किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी आसपास के व्यक्ति से क्योंकि इन सारी बातों से ना आपके अंदर नेगेटिविटी आती है और कुछ नहीं होता ठीक है और उस नेगेटिविटी के चक्कर में फिर आपकी जो रही सही तैयारी है ना वो भी नहीं हो पाती है तो पहला तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो आदत है बार बार एग्ज़ाम डेट को पूछने की वो बंद कर दें एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये तो कोई बता ही नहीं सकता आपको कि एग्ज़ाम कब होगा तो ये दिमाग से निकाल दें कि एग्ज़ाम कब होगा ठीक है और अपनी तैयारी करें इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को दिमाग से रिमूव कर दें क्योंकि देखिए अगर आप एग्ज़ाम डेट को सोच कर पढ़ाई करेंगे ना तो कभी आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगी सही से तो इस चीज़ को दिमाग से निकालें दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब हो सकता है डी की एक्सपेक्टेड डेट तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यू है या यू है एस है जब तीनों बड़े बड़े बोर्ड्स ने अपनी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है तो डी के एग्ज़ाम्स भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं तो जो फॉर्म्स फ़िल किए जा चुके हैं ठीक है थीके? चाहे वो आ, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या फिर नॉन टीचिंग हो तो मैं आपको बस एक चीज़ बता दूँ कि पहले नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स नॉन टीचिंग जो वैकेंसी थी उनके जो फॉर्म फ़िल हुए थे पहले उनके एग्जाम्स होंगे उसके बाद टीचिंग जो वैकेंसी है उनके एग्ज़ाम्स होंगे ठीक है तो एग्ज़ाम डेट आप जल्दी ही अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डी एग्ज़ाम ले सकता है कब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कंडीशंस के कि अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है ठीक है हो सकता है पहले भी हो जाए बाद में भी हो जाए बट अगर हम फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर या नवंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स से सभी होने शुरू हो गए हैं तो आप अब बार बार इस क्वेश्चन पर विचार करना बंद करें अपनी तैयारी करें अच्छे से और सिलेक्शन लें तो अगर आज आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी जैसे ही एग्ज़ाम की डेट को लेकर कोई भी न्यूज़ मिलेगी आपको वो बता दी जाएगी थैंक यू सो मच